Assalamualaikum everyone, this is your nutritionist Dr. Aisha Siddiqa and welcome back to the Nutrition Hub. And today I'm going to conduct a free training session and the topic under discussion is how to create a patient assessment form for a dietitian clinic. Yes, it's total. Nutrition assessment. It is the interpretation of the anthropometric, biological, laboratory, clinical and dietary data to determine whether a person or a group of people are well nourished or malnourished. न्यूट्रिशनल असेसमेंट एक्चुअल होता क्या है? इन एक्चुअल न्यूट्रिशनल असेसमेंट ये होती है कि हमने जो भी क्लाइंट हमारे पास आएगा उसका एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स लेनी है, उसका बायोलॉजिकल एनालिसिस करना है, उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री चेक करनी है, डाइट्री रिकॉर्ड उसका लेना है. ये सब चीज़ें लेके फिर हम डिटर्मिन करेंगे ये पर्सन जो है ये मैलनरिश है या ये अंडर नरिश है. न्यूट्रिशनल असेसमेंट करने के लिए हमें चार मेथड्स चाहिए, चार तरीकों से हो सकती है, जिसमें सबसे पहले है एंथ्रोपोमेट्री, फिर बायोलॉजिकल मेथड है, फिर उसके बाद क्लिनिकल मेथड है और डाइट्री मेथड है. एंथ्रोपोमेट्री क्या होती है? पेशेंट या क्लाइंट जो भी आपके पास आया है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स लेने का मतलब ये होता है कि आप उसकी हाइट लें, उसका वेट लें, उसका हेड का सर्कमफ्रेंस नोट करें. बायोलॉजिकल एनालिसिस में उसकी बायोकेमिस्ट्री रिपोर्ट हम चेक करेंगे, जिसके अंदर हम उसका क्रिएटिनिन देखेंगे, एल्ब्यूमिन देखेंगे, उसके बाद हेमाटोक्रिट्स उसके देखेंगे, BUN देखेंगे, उसका लिपिड प्रोफाइल भी चेक करेंगे, H भी चेक करेंगे हम पेशेंट की, उसका सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह ये सब चेक करेंगे डाइट्री मेथड के जरिए. डाइट्री मेथड के जरिए से ये हम 24 आवर डाइट्री रिकॉल लेते हैं पास्ट, या फिर 7 डे डाइट्री रिकॉल लेते हैं पास्ट, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि पेशेंट की लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, वो उसका जो डाइटिंग का पैटर्न है, मतलब जो वो खा रहा है उसका पैटर्न है, वो कीटोजेनिक डाइट है या फिर वो सिंपल डाइट है या ब्रेड है. हमने ये देखना है कि पेशेंट का डाइट का पैटर्न क्या है, मतलब वो क्या दाल खा रहा है, ज़्यादा सब्जी खा रहा है, ज़्यादा प्रोटीन्स ले रहा है, ज़्यादा फैट्स ले रहा है, फास्ट फूड खा रहा है, आइदर उसकी हेल्दी डाइट है या नॉन हेल्दी डाइट है. ये सब चेक करेंगे हम डाइटरी मेथड की के अंदर. राइट वे टू मेजर द हाइट. अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो उसकी हाइट को मेजर करने का राइट वे क्या है? राइट वे मेजर करने का यह है कि मेजरिंग स्केल के साथ आप क्लाइंट को खड़ा कर दें, क्लाइंट का हेड, उसके शोल्डर्स, उसका हिप, उसकी लेग और उसकी जो एडी का पिछला हिस्सा है, ठीक है, वो मेजरिंग स्केल के साथ अटैच होना चाहिए और उसके बाद आप मेजरमेंट्स लें तो आपकी मेजरमेंट्स एक्यूरेट आएगी. लेकिन अगर आप बच्चों की बात करते हैं तो हमें ये तस्वीर में भी जिस तरह से हम पिक्चर में देखते हैं कि हमें दो असिस्टेंट्स चाहिए, एक असिस्टेंट ने बच्चे की जो टो है उसकी जो लेग्स हैं उसके पास से उसको होल्ड किया हुआ है, और उसके बाद दूसरा जो असिस्टेंट है उसने बिलो द चिन बच्चे की नेक को जो है वो अटैच करके रखा हुआ है मेजरिंग स्केल के साथ. जब उसकी नेक को मेजरिंग स्केल के साथ अटैच किया, बच्चा बिल्कुल स्ट्रेट है और उसकी वो मेजरमेंट्स ले रहे हैं तो प्रॉपर एक्यूरेट मेजरमेंट्स आएंगी इस केस के अंदर. वेट को मेजर करने के लिए आप डिजिटल वेइंग बैलेंस यूज कर सकते हैं या कन्वेंशनली जो पहले आपके पास आ रहा है नॉन डिजिटल आप वो भी. वैल्यूज ऑफ BMI. सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि BMI होता क्या है? बॉडी मास इंडेक्स. बॉडी मास इंडेक्स जो है इससे हमें पता चलता है बंदे के न्यूट्रिशनल स्टेटस का, बंदे या बंदी के न्यूट्रिशनल स्टेटस का. अगर इसकी वैल्यू जो है 18.5 से 24.9 है तो नॉर्मल है, ठीक है. अगर इसकी वैल्यू 25 से 29.9 किसी इंडिविजुअल में आती है तो वो ओवरवेट है, 30 से लेके 40 तक ओबीस है, मोर देन 40 वेरी ओबीस है. अगर हम इसी तरह से बात करते हैं 17 टू 18.9 तो माइल्ड क्रॉनिक एनर्जी डेफिशिएंसी है, 16 टू 16.9 मॉडरेट क्रॉनिक एनर्जी डेफिशिएंसी, और लेस देन 16 जो है वो सीवियर क्रॉनिक एनर्जी डेफिशिएंसी के कैटेगरी में फॉल करते हैं. बाद अगर हम फूड पायरामिड की बात करते हैं, फूड ग्रुप्स की बात करते हैं, तो 6 फूड ग्रुप्स हैं हमारे पास. एक ब्रेड्स का है, वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क और मीट, और उसके बाद फैट्स का ग्रुप है. ब्रेड का जो ग्रुप है इसके अंदर हमारे पास वीट आ जाता है, जौ आ जाता है, राइस आ जाता है, पास्ता आ जाता है, सीरियल्स आ जाती हैं वेजिटेबल फ्रूट्स का आपको पता है. उसके बाद मिल्क ग्रुप में मिल्क, योगर्ट और चीज़ है. मीट ग्रुप में अंडा है, रेड मीट्स हैं, लीन प्रोटीन, लीन मीट जो आपके पास आता है, डेयरी मतलब चिकन का मीट है, फिश का मीट है, ड्राई बीन्स हैं, नट्स हैं. और उसके बाद फैट्स की अगर आप बात करते हैं तो फैट्स के अनदर हमारे पास आ जाता है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट्स, दोनों तरह के आ जाते हैं. अब जो हमारी मेन चीज़ है
फोकस की। अभी तक तो हमने ये देखा कि असेसमेंट्स किस तरह से करेंगे और क्राइटेरियाज क्या क्या हैं, तो अभी हम ये देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ पेशेंट असेसमेंट फॉर्म, कि हमने पेशेंट का असेसमेंट फॉर्म किस तरह से क्रिएट करना है। इसमें हमने ये डिस्कस करने हैं वो सारे के सारे असेंशियल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एक पेशेंट से जिस इंक्वायर करना, ताकि एक प्रैक्टिशनर जो है हेल्थ प्रैक्टिशनर वो एक प्रॉपर किस्म का प्लान उसको बता सके या उसका जो हेल्थ का स्टेटस है वो डायग्नोज कर सके, उस किसी डिजीज़ को डायग्नोज करके उसको अच्छे से सजेस्ट कर सके। इसमें स्टेप नंबर वन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमने डेट लिखना है, क्लाइंट का नेम लिखना है, टाइम लिखना है, रेफरिंग क्लिनिशियन लिखना है, साइट और प्री काउंसलिंग सबमिशन ऑफ द फूड लॉग। इसमें जो सबसे पहला है डेट और टाइम मेंशन करना क्यों ज़रूरी है, अगर काउंसलिंग के बाद किसी वक्त पर भी किसी क्रिमिनल केस की वजह से या फिर नॉर्मली किसी और वजह से अगर पेशेंट का रिकॉर्ड लेना पड़ता है तो आपको पता चल जाएगा कि फलां डेट को फलां टाइम के ऊपर ये वाला क्लाइंट जो है इस डॉक्टर के पास था। और रेफरिंग क्लिनिशन क्या होता है, रेफरिंग क्लिनिशियन वो होता है जैसे अगर कोई नेफ्रो का पेशेंट आया है, किडनी फेलियर का पेशेंट आया है, वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास पहले गया है तो नेफ्रोलॉजिस्ट ने उसको डाइटिशियन की तरफ जो है वो रेफर किया है, तो रेफरिंग क्लिनिशियन जो होगा वो आपका नेफ्रोलॉजिस्ट होगा, डाइटिशियन जो होगा वो आपका उस वक्त करंट क्लिनिशियन होगा। उसके बाद साइट के किस एड्रेस से ये पेशेंट हमारे पास आ रहा है, प्री काउंसलिंग सबमिशन ऑफ द फूड लॉग ये कुछ लोग रिक्वायर करते हैं जिसके अंदर ये होता है कि आप उसका फूड का पैटर्न देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि इसका लाइफस्टाइल क्या है, किस तरह की फूड्स जो हैं इसने कंज्यूम की है और तक और अभी इसका करंट हेल्थ स्टेटस क्या चल रहा है और कौन कौन सी डेफिशिएंसीज हैं और कौन कौन सी उसके अंदर एनोमलीज। हम सेकंड चीज़ जो है सेकंड स्टेप है उसकी बात करते हैं तो इसमें सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट हमारे पास आता है रीज़न ऑफ द विजिट, हमने पेशेंट से पूछना है कि जी आप किस रीज़न की वजह से विजिट कर रहे हैं, आइदर यू आर डायबिटिक ओबीस और हाइपरटेंसिव और फिर यूरिक एसिड का इशू है या फिर आर्थराइटिस का इशू है या फिर गैस्ट्रो का कोई किसी किस्म का इशू है या डिप्रेशन है, किसी भी तरह के इशू के लिए हमने उसका रीज़न ऑफ द विजिट जो है वो चेक करना है। उसके बाद एक और हम वहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे करंट ईटिंग पैटर्न, जिसकी हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि करंट उसका ईटिंग पैटर्न क्या है। उसको असेस करने के लिए हम उसका ब्रेकफास्ट लेंगे, लंच का रिकॉर्ड लेंगे, डिनर का, स्नैक का, बेवरेजेस का, कि वो ब्रेकफास्ट लंच डिनर स्नैक और बेवरेजेस में किस तरह की ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में स्नैक्स में बेवरेजेस में किस तरह का फूड जो है वो सेलेक्ट कर रहा है अपने लिए, आइदर ज़्यादा वेज ले रहा है, नॉन वेज ज़्यादा ले रहा है, फास्ट फूड ज़्यादा ले रहा है, ऑयली चीज़ें ज़्यादा ले रहा है या हेल्दी डाइट ले रहा है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले रहा है, कैफिनेटेड ड्रिंक्स ले रहा है या पानी की ज़्यादा कंजम्पशन कर रहा है, इसको किस तरह की फूड एलर्जीज हैं। कुछ लोगों को ग्लूटेन एलर्जी होती है, कुछ लोगों को कोई और लैक्टोज इंटॉलरेंस वगैरह होती है कुछ लोगों को। उसके बाद फूड की लिमिटेशंस, जिसके अंदर हमने चेक करना है कि पेशेंट की लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं। कल्चर के अकॉर्डिंग, जैसे हमारा कल्चर यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का ज़्यादा स्पाइसी वगैरह फूड लेते हैं, ओवरली कुक्ड फूड लेते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में अगर हम यूरोपियन कंट्री में बात करते हैं तो वो मॉडरेटली स्पाइसी फूड लेते हैं, समटाइम्स वो रिलाई करते हैं बेगल्स के ऊपर, सॉसेजेस के ऊपर, इस तरह की चीज़। अगर रिलीजन की बात करते हैं तो हम वेज और नॉन वेज दोनों कंज्यूम कर लेते हैं, अगर हिंदुइज्म के अंदर हम बात करें तो वो ज़्यादा वेजिटेरियन डाइट के ऊपर फोकस करना पसंद करते हैं। बाद स्लीप का पैटर्न हम पेशेंट का देखते हैं, नॉर्मली 6 से 8 घंटे की नींद जो होती है वो अप्रोप्रिएट होती है एक पेशेंट के लिए। फिर हम ये देखेंगे स्लीप पैटर्न के अंदर कि पेशेंट कितने घंटे सो रहा है, अगर ज़्यादा देर तक सोए तो भी बहुत ज़्यादा हैजर्डस इफ़ेक्ट्स हैं उसके हेल्थ के ऊपर, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा कम सो रहा है तो डिप्रेशन का पेशेंट होगा, फिर लथार्जी होगी, फटीग रहेगी, सारा दिन बिल्कुल भी फ्रेश नहीं फील करेगा, स्ट्रेस इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के, अगर फिजिकल स्ट्रेस है या फिर बायोलॉजिकल स्ट्रेस है या फिर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है या बायपोलर स्ट्रेस है, किस तरह का उसको स्ट्रेस है। उसके बाद हम उसकी वेट की हिस्ट्री लेंगे, आइदर उसका वेट जो है वो हेरिडिटरी किसी डिसऑर्डर की वजह से तो नहीं है और इनहेरिटेड वेट तो नहीं है उसका, या फिर उसका वेट किसी लाइफस्टाइल की वजह से, सेकेंडरी लाइफस्टाइल की वजह से, या फिर फूड जो है कोई इस तरह की वो कंज्यूम कर रहा है जिसकी वजह से उसका वेट गेन हो रहा है, या फिर स्ट्रेस की वजह से अगर वेट गेन हो रहा है तो ये भी हम असेस करेंगे। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमने असेस करना है, जिसके अंदर हमने ये मेंशन करना है कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अब हर बंदा एक ही तरह की डाइट जो है वो कंज्यूम नहीं कर सकता। अगर
बींग हेल्थ प्रैक्टिशनर, मेरे पास बहुत अमीर लोग भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, बिलो द नॉर्मल जो है वो भी लोग आ रहे होते हैं. तो अब अगर मैं छोटी सी एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहूँ, जिसके अंदर हम बात करते हैं, अगर प्रोटीन की हम बात करते हैं, मैंने पेशेंट को प्रोटीन देनी है, उसको प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन है, ठीक है, तो मैं उसको रेड मीट्स पे भी डाल सकती हूँ जिसमें मटन है, बीफ है, जिसमें पोल्ट्री है, जिसके अंदर फिश है, वो भी किया जा सकता है. इसके अंदर दालें भी आ जाती हैं, हमारे पास पीस भी आ जाते हैं. तो जो पुअर होगा उसको दाल सब्जी के ऊपर हम डालेंगे जिनके अंदर प्रोटीन्स हैं, वो उसके साथ उसको कॉम्बेट करेगा अपनी डिजीज के साथ. और अगर कोई अमीर इंसान है तो उसको हम मटन रिकमेंड कर देंगे, हाईली एनर्जेटिक है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है. फिश भी रिकमेंड की जा सकती है, अंडे रिकमेंड किए जा सकते हैं. एक्सरसाइज का पैटर्न जी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्लाइंट का. उसमें ये देखा जाता है कि पूरे हफ्ते में या महीने में या एक दिन में कितनी बार एक्सरसाइज कर रहा है, योगा कर रहा है, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहा है या नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहा है, किस टाइप की एक्सरसाइज है, कितने ड्यूरेशन की है, कितनी रेपिटेशन की है, कितने टाइम करता है भैया एक दिन. उसके बाद जो थर्ड स्टेप हमारे पास आता है, ऑब्जेक्टिव की इन्फॉर्मेशन है कि जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है. उसके अंदर हम ये देखते हैं जिसका सेक्स क्या है, मेल है, फीमेल है या मिडिल सेक्स है, ट्रांसजेंडर, या फिर एज उसकी ये भी देखी जाती है, हाइट देखी जाती है, वेट देखा जाता है. अगर हमने बीएमआई को कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है केजी पर मीटर स्क्वायर. तो बीएमआई इवन कैलकुलेट करने के लिए पेशेंट की हाइट और वेट का होना बहुत ज़रूरी है. इसी के चलते, इसी के साथ साथ फिर हम आइडियल बॉडी वेट भी उसका निकाल सकते हैं इन्हीं चीज़ों से. फिर प्री पोस्ट मेनोपॉज फीमेल्स के अंदर पूछना ज़रूरी होता है. प्री मेनोपॉज हेल्थ का स्टेटस थोड़ा डिफरेंट होता है, पोस्ट मेनोपॉज थोड़ा डिफरेंट होता है. थोड़ा ब्लॉटिंग के केसेस आते हैं, डिप्रेशन के केसेस आते हैं, समटाइम वेट गेन इन्फ्लामेशन के केसेस आ जाते हैं. मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं हम पेशेंट की. मेडिकल हिस्ट्री में हम ये चेक करते हैं कि पेशेंट को पास्ट में कौन कौन सी डिजीज हो चुकी हैं, कितने कितने ड्यूरेशन के लिए हो चुकी हैं, और क्या क्या उसके साइड इफ़ेक्ट थे, और किस किस सफरिंग से वो गुजरा है. उसके बाद फैमिली हिस्ट्री हम देखते हैं कि इसको जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है कोई, फैमिली में कौन कौन सा जो ट्रेंड में डिजीज़ आ रही है. फिर हम ये देखेंगे कि मेडिकेशन और सप्लीमेंटेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि पेशेंट कितनी देर से किस मेडिकेशन पे है, कौन कौन सा सप्लीमेंट ये लाइफ में ले चुका है और किस किस टाइम पे ले चुका है, कितने ड्यूरेशन के लिए ले चुका है. बायोकेमिकल एनालिसिस जैसे पहले भी बात हो चुकी है, जैसे हम ग्लूकोज, एल्ब्यूमिन, क्रिएटिनिन, BUN, लिपिड प्रोफाइल, HB, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और दूसरी चीज़ें इसकी जो है वो असेस करते हैं. असेसमेंट की अगर बात आती है तो इसके अंदर फिर हम ये देखते हैं कि BMI जैसे पहले बात हो गई, आइडियल बॉडी वेट की बात हुई है, लिक्विड रिक्वायरमेंट. एक 5'2" पेशेंट की अगर हाइट है 5'2" तो उसकी 8 to 10 ग्लास होती है पर डे लिक्विड रिक्वायरमेंट, इतना पानी उसको कंज्यूम करना है. फिर अगर हम बात करते हैं तो हमें ये चाहिए कि हम ये देखें कि एक दिन में कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं एक पेशेंट को. बॉडी बेसल मेटाबॉलिक रेट ये बताता है आपको कि इतने केजी ऑफ बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इतनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है, ठीक है, एनर्जी की. और टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्टिविटी फैक्टर के साथ, मतलब एक बंदे की बॉडी को इतनी इतनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है, किलो कैलोरी. फिर जब हम देखते हैं कि अगर वो कन्फाइंड टू बेड है तो उसके एक्टिविटी फैक्टर के अकॉर्डिंग उसकी कैलोरीज क्या होंगी. फिर अगर वो आउट ऑफ बेड है, थोड़ा बहुत मूव करता है, तो उसकी कैलोरीज क्या वो डिफरेंट होंगी. अगर वो स्पोर्ट्समैन है तो उसकी कैलोरीज डिफरेंट होंगी. अगर वो रनिंग करता है तो उसकी कैलोरीज डिफरेंट होंगी. अगर कोई और एग्रेसिव एक्टिविटी रिगरस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसकी कैलोरीज जो है वो डिफरेंट होंगी. एस्टिमेटेड न्यूट्रिशन नीड जो है इसके लिए भी एक बॉक्स बनाना पड़ता है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कैलोरीज काउंट करने के बाद उसको, मतलब नेट कैलोरीज अगर मेरे पास आ गई तो उसमें से मैं देखूंगी कितने परसेंट इसको कार्ब देने हैं, हेल्थ स्टेटस के अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रोटीन देनी है, कितने परसेंट इसको फैट देनी है, ठीक है. नॉर्मली अगर एक नॉर्मल हम डाइट प्लान डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर 50-60% कार्ब है, 20-25% प्रोटीन है, 10-15% फैट है. तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे, अगर 2000 कैलोरीज हैं तो मैं कैलकुलेट करूंगी जी इतनी कैलोरीज जो है वो कार्ब्स की हैं 60%, और इतनी कैलोरीज हमें मिल जाएंगी 25% प्रोटीन से, और इतनी कैलोरीज हमें मिल जाएंगी 15% फैट्स है. उन कैलोरीज को फिर हम ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर पेशेंट को बताते हैं कि आपने इतने इतने ग्राम्स इस चीज़ के कंज्यूम करने हैं तो आपको ये कुछ मिलेगा इसके अंदर से. मील प्लानिंग की अगर हम बात करते हैं, मील प्लानिंग में हमने क्या देखना है. सबसे पहले मील प्लान में हम ये देखेंगे फूड आइडियाज टू एम्फसाइज. अगर डायबिटिक है तो उसके ऊपर कौन सी डाइट
जो है उसमें एम्फोसाइज करना होगा हमें। हम ये देखेंगे कि उसको हाई प्रोटीन डाइट देंगे, कीटोजेनिक डाइट उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आइडियल है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की लो शुगर डाइट उसके लिए बहुत ज़्यादा आइडियल है, उस डाइट पर एम्फोसाइज करेंगे। फूड आइडियाज़ टू लिमिट, हमने फूड के अंदर कौन से आइटम्स हैं जिनको हमने लिमिट करना है, जिसके अंदर शुगर आ जाएगा, अभी हाई ग्लाइसीमेटिंग इंडेक्स की चीज़ें आ जाएंगी उसके अंदर, और फूड्स टू अवॉइड क्या क्या करना है, आप फैट्स अवॉइड करेंगे, बहुत ही ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह अवॉइड करेंगे, उसके बाद नमक चीनी इस तरह की चीज़ें आप अवॉइड करेंगे, पैटर्न ऑफ द डाइट उसके अंदर, डाइट का पैटर्न जैसे मतलब डिफरेंट पैटर्न होते हैं डाइट के, इंटरमीडिएट फास्टिंग होता है, लो कार्ब डाइट होती है, कीटोजेनिक डाइट होती है, मोनोजेनिक डाइट होती है, ब्रेड डाइट होती है, कौन सी डाइट का पैटर्न है, एंटी ऑक्सीडेंट रिच डाइट है, रूट ऑफ द डाइट, मोस्टली जो लोग आउट ऑफ द बेड होते हैं उनका रूट ऑफ डाइट ओरल होता है, लेकिन इनसाइड द बेड अगर कुछ केसेस में जिस तरह स्ट्रोक के केसेस आते हैं इनसाइड द बेड, उसके अंदर फूड का जो रूट है, डाइट का जो रूट है वो नेजोगैस्ट्रिक भी हो सकता है, और ड्यूरिंग ऑपरेशन नेजोजेजनम भी हो सकता है सब्सिक्वेंटली, और कुछ अब हमारे पास अगर पेशेंट चल के आया तो हमने देखना है कि सिर्फ काउंसलिंग से ही इसके लिए ठीक है तो उसको हम कोई प्लान नहीं देंगे, ठीक है। और अगर समटाइम हमें एक दिन का, दो दिन का या तीन दिन का प्लान देना पड़ता है, कुछ मरतबा हम लोगों को 8 दिन का 20 दिन का 15 दिन का प्लान देना पड़ता है, तो हम मेंशन करेंगे कि हम कितनी देर का इसको प्लान दे रहे हैं, उसके साथ फिर वो प्लान एक हम हार्ड फॉर्म में बना के उसको देंगे, हैंड रिटन कस्टमाइज प्लान, और फिर फॉलोअप का डेट लिखेंगे और टाइम लिखेंगे कि मतलब ये इस वक्त हमने ये प्लान बनाया है और इसकी ये डेट को आप दोबारा से आएंगे हमारे पास और इस टाइम पे आएंगे और हम इस प्लान का आपसे फॉलोअप लेंगे। प्लान हम डिज़ाइन कर लेंगे, उसके बाद बिल्कुल नीचे लेफ्ट कॉर्नर में डाइटिशियन का नेम होगा, दरमियान में डाइटिशियन का सिग्नेचर स्टैम्प होगा और एक साइड पे डेट होगी, और इस तरह से हमें हम एक फॉर्म जो है न्यूट्रिशन असेसमेंट फॉर्म जनरेट कर सकते हैं पेशेंट के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो बेनिफिशियल लगी है और आपको लगा है कि इसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।